हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश हो रहा हूं। और सबसे पहले आप नीचे एक सब्सक्राइब लिंक को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे शादियों के सीज़न के बारे में। आजकल शादियां बहुत हो रही हैं और लोगों का जो विशेष कारण है जिम ज्वाइन करने का, वो आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक्शन। लोग जिम ज्वाइन क्यों करते हैं? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जिम्स के अंदर 60-70% लड़के या लड़कियां जो यंगस्टर हैं या फिर जिनकी एज 25-30 साल के बीच में है, वो आते हैं। वो क्यों आते हैं कि हमारी मैरिज है 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कि हमने फिट होना है। भी ये कोई मुझे लॉजिक नहीं लगा भाई जिम ज्वाइन करने का, कि अगर आपकी कोई मैरिज है तो आप उसके लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं। इट मींस कि आप धोखा दे रहे हैं लोगों को कि आपने 6 महीने के बाद मतलब एक बार पतला होकर उनको दिखाना और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाना। तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ। एक जिमिंग करना एक लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए आपको। तो मैं नहीं मानता कि भी आप अगर आप 3-4-6 महीने जिम करके कि आप कुछ ऐसा कर देंगे कि लोगों को पता ही नहीं, ऐसा लग जाएगा बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया। तो मैं इस चीज़ के साथ सहमत नहीं हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने वही पेश कर रहा हूँ। बात करते हैं आप, जैसे कि मैं जिम्स में होता हूँ तो मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं वहाँ पे आके, लड़कियाँ होगी या फिर लड़के हो गए भी, सर मेरा वेट कम कर दीजिए या मुझे आप पर्सनल ट्रेनिंग दे दीजिए। तो मैं उनसे सबसे पहले एक वेट कम करने का नहीं रीज़न होना चाहिए भाई, आप क्यों करना चाहते हो। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपका मोटिव क्या कम करने का। तो 70% लोगों का मोटिव होता है भाई मेरी शादी है। भी अगर शादी के लिए अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि डाइसी सा भी ये कर नहीं पाएगा। बिकॉज अगर आपके 2-3 महीने में शादी है तो फिर आप खाओगे पियोगे भी, तो इट मीन्स आपकी मुझसे झूठ बोल रहे हो कि मैंने कंट्रोल किया। तो ये थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। देखो, एक जिमिंग करना या फिर कोई टारगेट को लेके अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो एक मोटिव होता है। उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं, बंदे की डेडिकेशन है, उसका पैसा है, उसका टाइम है, और बहुत कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस उसको करना पड़ता है कि उस मोटिव तक पहुँचने के लिए। पर लोगों को ऐसा लगता है कि भी नहीं, अगर हम जिम चले गए तो हम पतले हो गए। ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। सिर्फ एक जिम जाके फीस देना ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसकी बैलेंस डाइट खानी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके लिए। तो अब लोग ऐसा सोचते हैं जिम में फीस दे के, अगर जैसे मैं बैठा हूँ तो मुझे तो वो हैरी पॉटर समझते हैं भाई, अगर इसके पास जाएंगे और HD घुमाएगा और हम पतले हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपने खुद ही है उस पर। तो ये बहुत मैटर करता है कि मैं अगर आपके सामने कोई भी चीज़ अगर आपको गाइड कर रहा हूँ तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा उस पर, मैं आपकी जगह नहीं आ सकता उसके ऊपर। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, मैंने जो आपके साथ आज डिस्कस किया है कि लोगों के लिए जो जिम ज्वाइन करने का मोटिव है वो सिर्फ एक शादी है, वो शादी नहीं होती यार, इट्स अ लाइफस्टाइल। अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, अच्छा दिखना है सारी उम्र के लिए, तो आपको जिम करना या एक्सरसाइज करना या अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ये 6-7 महीने के लिए बस ये है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ एक एल्बम में देखना चाहते हो शादी की, कि नहीं मैं फिट था और वो एक आपने एल्बम में एक फ़ोटो में लॉक करके रख लिया और सबको दिखाने के लिए भी आने वाले 10 सालों में मैं दिखाऊंगा मैं 10 साल पहले ऐसा था। तो ऐसा नहीं है, इस लाइफस्टाइल को आप कैरी करके आगे चलें कि लोग आपको सारी उम्र देखते रहें और आपको एक एग्जांपल और एक आपको अपना एडमायर आपको करें। वो भी नहीं मैं बनना चाहता हूँ तो इसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोलिंग फ्रेम एंटरटेनमेंट्स को। अगली वीडियो में आपके साथ हम दोबारा रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच।